ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, गोविंदाय हस्त प्रक्षाल्य, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, प्रकदस्वा मरुता प्रश्निमातरः, शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मया, अग्निर्ज्वला मनवः सूर्यचक्षसो, विश्वेनो देवा अवसागमन्य, भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमा क्षद्विजयतरा, स्थिरैरङ्गैरुष्टुवाघुंसस्तनु बिर्वसे महिदेवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा न चक्रा जरसं तनूना तासौ जदपितरो भवन्ति मानो मद्या रीरिखतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ गं गणपते नमः अवयमि स्थापयामि पूजयामि देवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम सिद्धि सहिताश मन गण गणपतये नमो नमः। बचे हुए चावल राइट हैंड में ले लीजिए, जो भी चावल बचे गए हैं राइट हैंड में मन में ओम गण गणपत नमः मंत्र का जाप कर दीजिए। सुमक शय कदंत चा कपिलो गज कर्णिक लंबोदर विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन द्वादशैतानि नामानि या भट चुनियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्य उपजायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं पितृभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त ॐ गं गणपते नमः वयं स्थापयामि पूजयामि। जॉइंट अकाउंट कर ले, 501 निकाल लीजिए रुपया, 500 रुपया सबका कर ले अकाउंट, जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, मिनिमम चला गया, मैंने वो नहीं मानेंगे कर रहे थे, हमने कहीं नहीं, वो तो मान जाएंगे। जी 1000 नोट दीजिए ना, 1000 वाली बंद हो गई, बंद हो गई, मोदी राज है ना, 2000 एक हो सकता, तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वं प्रतिपदनामि रक्षे। तीन बार बोलिए विष्णुः विष्णुः विष्णुः। बोलिए कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात सकल
दुख शमनार्थम आप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संघ रक्ष अनार्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेद फल प्राप्ति अर्थम आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधो तापोप शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अति दिवसे चलचित्रस्य पिक्चर का नाम ले लीजिए, कंपनी का नाम ले लीजिए, बोलिए तस्य अभ्यंतरे नजर बाधा शत्रु बाधा रोग बाधा शमनार्थम आदि व्याधि उपाधि शमनार्थम अति दिवसे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यायाम उपरांते पौर्णमास्यायाम तिथौ अभ्यंतरे बुधवासरे नुतायाम दिवसे पूजन पाठो चलचित्रस्य शुभ मुहूर्त कर्म अस्मिन् समय अहम अपना अपना नाम लीजिए अहम कर्म कारिष्ये छोड़ दीजिए अरे यार नमामि विघ्ने स्वर पाद पंकजं अभी दूर से पानी सभी दूर से महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीं तिष्ठतु सर्व देहि मे रूपं देहि जयं देहि श्रियं देहि लक्ष्मीं देहि धन धान्यादि पुत्र पौत्रादि मन वांछित फलं देहि सर्वं कामस्य देहि मे लक्ष्मी हो गया अखंड फल करके हमारे ऊपर प्रसन्न हुई है रख सर्वं कामस्य देहि मे पांच बार भोग लगा दीजिए सब पांच प्रकार की वीआईपी वायु है जिससे भगवान भोजन करते हैं वायु का नाम है प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा भुज्यताम परमेश्वरी परमेश्वरो तीन बार ऐसा चल घुमा दीजिए ऐसे घुमा दे तीन बार यहाँ चल छोड़ दीजिए उत्तरा प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय ग्रहण समुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो जद पुरुखेण हविका देवा यज्ञवतन्वता वसन्तो सुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पार्वती जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा भगतन के लाज रखो शंभु सुत वारी कामना को पूर्ण करो जाम बलिहारे सकल मनोरथ पूर्ण करो जाम बलिहारे जय गणेश जय गणेश जय गणेश
गणेश देवा माता जागे पार्वती पिता महादेवा माता जागे पार्वती पिता महादेवा साकार मदर सरी बस मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 4 से 5 कहानियाँ सुनाई लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर एक दिन रजनीश भी आया और फिर ये आए तो उस दिन एक कहानी इन्होंने मुझे फैमिलियर सुनाया जो हर एक बेटा के दायित्व बनता है अपने माँ बाप के लिए या जो हमारे परिवार में आज के ज़माने में हो रहा है उसी पे आधारित सिनेमा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे सिनेमा का हिस्सा बना हूँ जो हर परिवार की ज़रूरत है। तो कोशिश है हम लोगों की, बाकी अभी तो सुना हो, बाकी आगे बन के क्या आता है तो मंजूर साहब बताएंगे, क्योंकि इनका भी मेरे लिए भी इनका नया अनुभव है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉपरेशन से ये सिनेमा बनेगा, लेकिन हम भी इनको जान पाएंगे तब जब सिनेमा करने जाएंगे। अभी ये क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे बैकग्राउंड अपना दिखाया सिनेमा का वो बड़ी अच्छी थी, जो कि राजस्थान से हैं तो राजस्थानी मूवी इन्होंने जो भी बनाया है बड़े अच्छे टैकिंग के साथ बनाया है। तो मेरा विश्वास है कि एक नया अनुभव भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा, जो कि राजस्थान में था वो अनुभव आज भोजपुरी के लिए आ रहा है। फिल्म की अगर बात करें सारी जी, तो क्या बैकग्राउंड है इस फिल्म का, जैसे पोस्टर में भी हम देख रहे हैं तो उसको लेके, और क्या बैकग्राउंड किस पर आधारित है ये? ये फैमिलियर फिल्म है और एक हर माँ बाप के लिए है, हर एक बेटा के लिए है। तो अभी मैं कहानी को नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि अभी कहानी बनने में टाइम है, अभी चल रही है सारी चीज़ें, तो अभी गाने पे हम लोग बैठेंगे। कहानी तो लिखी जा चुकी है लेकिन अभी हम लोग गाने पे बैठेंगे दोनों भाई, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर और आप लोग, ये तो पर्चे का मोहताज है नहीं, रजनीश भैया जीनियस आदमी है और जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भोजपुरी के भला के लिए करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है तो भोजपुरी का जब भी कुछ भला होना होता है तो ये जुड़ जाते हैं बेचारे। इसका जवाब मैं दूं क्या? एक्चुअली क्या है, खेसारी जी की एक बहुत अच्छी आदत है जो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पहली बार इनको कहानी लेकर के गया था तो मैं बिल्कुल न्यू फिल्म मेकर था, पहला बार डायरेक्शन कर रहा था, तो एक ही चीज़ इनको आकर्षित करती है वो है, जो मैं अपना निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, वो है फिल्म की कहानी। एक बार इनको फिल्म की कहानी अच्छी लग जाती है तब बाकी चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इस फिल्म में भी वही हुआ, पहले एक दो कहानियाँ डायरेक्टर साहब ने हमें सुनाया और हमने बोला कि आप खेसारी जी को सुनाइए, उनको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करेंगे। इन्होंने सुना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर जैसे हमने बोला कि ये कहानी, हम लोग डिस्कस किए, बोले कि ये कहानी सुना लीजिए, और जैसे इन्होंने वो कहानी सुनाई, सुनने के साथ ही इन्होंने रेडी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम करेंगे कहानी। तो इनके लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कहानी सबसे सर्वोपरि होता है, अगर कहानी पसंद आ गई तो बाकी चीजें। सर आप मंसूर अली जी, कैसे आपके जहन में आया कि हाँ इस कैरेक्टर के लिए, इस किरदार के लिए खेसारी जी ही फिट बैठ रहे हैं, और जब आप ये कहानी लिख रहे थे क्या पहले से ही ये जहन में थे खेसारी जी? सबसे पहले तो मैं खेसारी जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा में नया हूँ, लेकिन इन्होंने एक साथ एक विश्वास मेरे साथ जताया, ये एक सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। इन्होंने मुझे समझा, मेरी कहानी को समझा, इनका बड़प्पन है। और जहाँ तक खेसारी भैया की बात है तो ये तो आइकॉन है। आइकॉन मतलब शब्द नहीं है कि आइकॉन भी कम बताऊंगा मैं तो। बहुत पैसा लेते हैं लेकिन नहीं सर, पैसे की बात नहीं है भैया, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार, मैं और भी लोगों से मिला हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जो डाउन टू अर्थ, जो ज़मीनी जिस बात को हम करते हैं, भैया समझते हैं। और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिन्होंने मेरे कदम से कदम मिलाना की इन्होंने कोशिश की, मुझे साथ दिया, तो मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। और कहानी दो पॉइंट पे ही भैया ने कहा यही चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हीरो तो है ही, सोने पे सुहागा कहानी के साथ में इन्होंने जो रचा है वो अपने आप में अल्टीमेट है। और मैं भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी समाज का आभारी हूँ
भोजपुरी भाषा का आभारी हूँ। जिन लोगों ने जिस सिनेमा को जीते हैं, मैं इस फील्ड में नया हूँ क्योंकि राजस्थान से हूँ, राजस्थानी कई फिल्में बनाई है, एक नया अचीवमेंट है। लेकिन जो कॉपरेशन, जो सपोर्ट जो भोजपुरी से मिला है मुझे, मुझे मेरे क्षेत्र से भी नहीं मिला। बुराई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो सपोर्ट, जो एक एवरनेस जिसे कहते हैं, एक एनर्जी जो दी है वो भैया ने दी है। हम तो कहानी तो सभी लेके जाते हैं, लेकिन सपोर्ट किसको मिलता है, इसके लिए मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज भैया जैसी हस्ती मेरे साथ जुड़ी है। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, रजनीश सर का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने विजय यादव जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, संजय पटियाला जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने नवीन तिवारी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सोनू भैया जो भैया के साथ में हैं उनका मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस नाचीज पे एक विश्वास, एक यकीन जताया और आज भैया हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। एक नया, एक पॉजिटिव, एक एनर्जी जो मिली है, ये सब भैया की देन है। देखिए, ऐसा है कि जब खेसारी लाल यादव के साथ काम करना होता है तो म्यूजिक बहुत बहुत परिश्रम करके नहीं बनता। इनके साथ ऐसा है कि इनके रग रग में म्यूजिक है, शायद म्यूजिक इनसे छीन लिया जाए तो ये दुनिया छोड़ दें। प्रतिदिन इनका दिनचर्या में है कि दो तीन गाने जब तक ये बना नहीं लेंगे, उसको गा नहीं लेंगे, उसको खा नहीं लेंगे, पचा नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं मिलता। तो इनके साथ काम करने का, संगीत बनाने का मेरा जब शुरू से ही जो अनुभव रहा है, जो जो फिल्में हमने किया साथ में, म्यूजिकली सारी की सारी ब्लॉकबस्टर थी, जितनी फिल्में हम लोगों ने किया म्यूजिकली। और संगीत इनके साथ बनाने का एक अलग अनुभव है। वैसे तो सबके साथ, दिनेश जी के साथ काफ़ी फिल्मों का मैं संगीत दिया हूँ, पवन जी के साथ भी दिया हूँ, पर इनके साथ संगीत बनाने का एक अलग आनंद ये है कि इनको राइटिंग का हुनर बहुत अच्छे से आता है। कि जो दर्शक वर्ग हैं जरा भोजपुरी बढ़िया से आवेला और भोजपुरी में का सुने के चाहता है, यही कारण से लोग जानते बनी कि खेसारी लाल यादव 10 साल से आज ऑडियो लाइन में, मतलब गायकी के लाइन में टॉप पर आज 10 साल से चल रहा है। आज भी यूट्यूब पर चाहे हर प्लेटफॉर्म पर नंबर 6 पर इनकर सर्चिंग चल रहा है, बार हुआ लोग सब बाकी बनी ट्रेंडिंग में चल रहा बढ़े। तो संगीत के फील्ड में ये आज 10 साल से सिरमौर बढ़े, तो इनका संगे गाना बनौला के एहसास एगो अनोखा होला। और डायरेक्टर साहब के चूंकि विजन बहुत क्लियर बा और जो सब्जेक्ट यहाँ उठौले बानी नौ पे, हमने के संगीत अपने अंदर से खुद से निकली, इतना बढ़िया। बाकी संगीत के बारे में हम कैसन बनाए, एक ज्यादा ई कैसन बनवाई है, इससे अच्छा कोई सवाल नहीं था। धरती पे आज जीवन में कौन हेरा फेरी नहीं करता है, विदाउट हेरा फेरी जीवन किसकी चलती है। हमें जरूर इधर उधर करना पड़ता है, समस्या की हाँ, बशर्ते एक चीज है कि हमें अश्लीलता को परोसना नहीं है, अश्लीलता से दूर रहना है। और हम कोशिश यही करेंगे जब हम कहानी जब घर परिवार की उठाएंगे तो हम शायद उसमें अश्लील कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे घर परिवार में, हमारे संस्कार में अश्लीलता नहीं है। अगर हम किसी और जगह से चीज़ों को उठाते हैं तो उसको समझाने के लिए लोगों को अश्लीलता डालनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है। नजरिया का भी अंतर, वो नजरिया का, हाँ नजरिया भी देखने का है। देखिए बंधु, पारिवारिक फिल्म ही हो चाहे कुछ भी हो, परिवार के अंदर ही शादी ब्याह होता है और परिवार के अंदर ही सुहागरात होता है। वाह, ऐसा नहीं है कि सुहागरात के लिए आदमी जंगल में किसी पेड़ पे चढ़ जाता है। बाप को पता है होता है, ससुर को पता होता है, सास को होता है कि आज बहू ब्याह के आई गई है। लड़के को बजाबते सम्मान लोग धक्का मार के घर में पहुंचाते हैं, दरवाजा बंद किया जाता है, उसके घर में दूध का गिलास रखा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणपति भगवान की वहां पे आराधना रात में होने वाली है, जो होने वाला है वो सर्वविदित है और उसको लोगों ने जो अपनाया है, उसको जो लोगों ने माना है, वो आध्यात्मिक तौर पे आप समझिए कि एक शुभ मंगल कार्य के लिए कितनी ज्यादा देवताओं का आवाहन होता है, पूजा पाठ होता है। तो सोचने का नजरिया है कि किस कार्य के लिए कितने अच्छे तरीके से उसको पूजा पाठ करके, देवताओं का आवाहन करके और किया जाता है चीज। और एक बात और, आप लोग का हेड मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बातें हम बोलते हैं उसी का हेडलाइन बनाइए। देखिए, हम अगर बुरी चीज, अच्छी चीज को भी बार बार करेंगे ना कि ये गलत है तो गलत हो जाएगा। तो आप भोजपुरी समाज से हैं, आप भी उस मिट्टी से हैं,
तो भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के कुछ मीडिया के लोगों ने अश्लील बना दिया है। मेरा कहने का मतलब कहाँ अश्लील नहीं होता है बताइए, चोली के पीछे भोजपुरी में नहीं होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी के मीडिया के लोग ऐसे नहीं करते हैं कि उसको बोले कि चोली के पीछे क्यों है। अब अगर चोली किसी ने हमारे भोजपुरी में बोल दिया तो हमारे यहाँ के मीडिया में प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी को उसको लेकर के आप ही लोगों को अगर आप लोग उसको गलत तरीके से हेडलाइन बनाएंगे ना तो दुनिया ऐसा नहीं देखे। यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाने से भोजपुरी का भला नहीं होने वाला है। आप अपने फायदे के लिए हेडलाइन को गड़बड़ मत करिए, होता कुछ और है और उसमें दिखता कुछ और है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग कोई भी सवाल करिए, भोजपुरी को ही क्यों टारगेट किया जाता है कि अश्लीलता है, कहां अश्लील नहीं है। इन्होंने जो बातें बोली सुहागरात की बातें अगर हम भोजपुरी सिनेमा में डाल देते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों? सुहागरात हम मनाने में तो मजे लेते हैं, लेकिन अगर हम डाल दिए तो गलत हो गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग का जो हेडलाइन, कुछ लोगों का जो हेडलाइन हो रहा है उसको बिल्कुल क्लियर करिए। उसमें मैटर कुछ और होता है और उसमें हेडलाइन जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के मत करिए। डर लगता है अभी हाँ, इसलिए पर आप लोग इंटरव्यू देते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं कौन सा लाइन काट के और कहां चिप दिया जाएगा। केकरा संगे बात कही कर दी बोला सर तू आप ओके साइड से ओकरा बाद हई बोलने हां चाहे हई बोलली हो ओकरा बाद केकर बोली आई ना बस यही प्रॉब्लम है। सर लाइन कैसा है? नहीं जी 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 एक अच्छी फिल्म थी डमरू जिसमें आप और इंटरनेशनल के फेस्टिवल के लिए भेजे थे या हां नेशनल वाले के लिए जी तो वहां से रिजेक्ट हो गया। आपको रिजेक्ट नहीं हुई है सर, वहाँ पे क्या होता है फिल्में रिजेक्ट नहीं होती है। जैसे मानिए अगर रेस में 10 लड़के अगर दौड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप आया वो जीत गया, जो वो ठीक है और बाकी उससे रिजेक्ट हो गए। उसमें जज लोग बैठते हैं, जैसे कि 10 फिल्में अगर किसी भी अवार्ड शो में जाती है तो अवार्ड शो में पहले उसको ग्रहण करना कि हाँ ये नॉमिनेशन के लायक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर मंदिर का एक ईंटा बनना ही सौभाग्य बात होता है। अब नॉमिनेशन में एक ही फिल्म को मिलेगा तो जो फिल्म को मिला है वो हमारी डमरू से ज्यादा डिजर्व करता है। वो फिल्म है उड़िया फिल्म है और उस उड़िया फिल्म की जो कहानी है वो एक गरीब बच्ची की कहानी है जो कैसे एक बहुत बड़ी धावक बनती है। तो जो नेशनल अवार्ड जिस फिल्म को मिला है उसके लिए मैं नेशनल के जो भी उसके जजेस थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमसे बड़ी अच्छी बेटर फिल्म को उन्होंने दिया है। तो हम रिजेक्ट नहीं हुए हैं, हमसे ज्यादा अच्छी फिल्म किसने बनाई है उसको मिला है, हम वहाँ पहुंचे तो सही। हाँ बस आपका ओपिनियन क्या है? मैं क्या बोला आपको, मंदिर का एक ईटा बनना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। हमारी कोई भी रीजनल हमारी भोजपुरी सिनेमा वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन डमरू पहुंची तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम उनके नजर में तो हम है, उनके चाहत में तो है, उनके प्लेटफॉर्म पे तो हम पहुंचे, तो हमारे लिए खुशी की बात है जो हम वहां तक सफर को तय कर दिए। आज हम 10 में पहुंच गए तो हो सकता है कि कल हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश है उस लिस्ट में तो पहुंचे, उस लिस्ट में तो आए, उस लिस्ट में आना ही बड़ी बात है। तो बस आप लोगों को यही प्रमोट करना है कि अगर हमारी भोजपुरी की चीजें अगर कहीं जाती है तो उसको रिजेक्ट मत लिखिए, उसको बोलिए जी हमारी भाषा की चीजें वहां तक पहुंची, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रेस में एक आदमी जीत गया इसके मतलब अगर हमारे ही लोग अगर उसको रिजेक्ट साबित करेंगे तो दुनिया क्यों नहीं रिजेक्ट करेगी। ये कौन कौन फिल्म है हमको पता नहीं, 370 से हम मुक्ति मिल गई है ना, ये तो अच्छी बात है, हो जाएगा ये तो अच्छी बात है कि 370 से मुक्ति मिल। जिस आदमी का ध्यान ही दुनिया में है, हाँ तुम पूरी दुनिया अपनी है तो ये 370 हटाओ कश्मीर तो अपना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए झंडा तो हमारे देश का शान है, वो हमारी माँ है, हमारी भूमि है, हमारी जीवन है। झंडा हम कहीं भी फहराएंगे तो हमारी धरती हम काम कोई जरूरी नहीं, जमीन हिंदुस्तान में ही फहराते हैं। हमारे देश के लोग जहां रहते हैं वहां अपनी माँ का स्वागत करते हैं, अमेरिका में भी हमारे झंडा का तिरंगा लहराता है तो उसका सम्मान है। वो चाहे दुनिया में कहीं भी फहराया जाए हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए पूजनीय है हमारा झंडा। रक्षाबंधन की और आपके 15 अगस्त के लिए मैं ढेर सारी शुभकामना अपने दर्शकों को देना चाहता हूं, जिनको शायद हम कितना प्यार करते नहीं जानता हमारे प्रोड्यूसर साहब, लेकिन कुछ नहीं बोले हैं आप ही उनसे कुछ पूछ, लेकिन हम उनसे बहुत प्यार कर वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप भी कुछ बताइए इन लोगों को। ऐसा है मैं राजस्थानी फिल्मों का प्रोड्यूसर हूँ, 4 फिल्में मैंने बना दी हैं, तीसरी मेरी रिलीज होने, 2 हिंदी भी मैंने बनाया है। अभी मेरे डायरेक्टर, एक तो प्रोड्यूसर को मैं आपको बता दूं, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए,
सबसे पहले बेस्ट एक्टर चाहिए, क्या बात, फिर बेस्ट डायरेक्टर चाहिए, और तीसरी कहानी, और फिर चौथी संगीत चाहिए। तो मुझे इस भोजपुरी फिल्म में ये चारों चीज एक साथ इतनी अच्छी मिल गई कि मेरा दिल कर गया कि मैं इस फिल्म का रिजल्ट बनूं। पर मैंने मंजूर भाई को कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप इस फिल्म में काम, आप लोग सब मिल करके, इतनी अच्छी टीम मुझे मिली है और मैं इस टीम को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भैया का सब सर सर तैयार हो गए कि जितना पैसा लगेगा लगाऊंगा। खाई सिनेमा पे पर इनसे पूछिए, आप लोग बहुत पैसा लेते हैं यार, बहुत पैसा लेते हैं। रात आप मेहंदी का गाना शूट कर रहे थे, मेहनत कौन ज्यादा करता है, क्लियर करिए आप। नहीं ठीक है, बहुत पैसा, मेहनत जो करता है, बताइए हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो हमें 3,000 रुपया सैलरी मिलता है सर, लेकिन जब हम उसी को 24 घंटा करेंगे तो 6,000 का हकदार है कि नहीं है, है ना सर? तो आई एम रॉन्ग या राइट? सच आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं 50 लाख भी लू ना तो मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो 20 लाख रुपए मैं अपने गरीब जनता को, बाढ़ पीड़ितों को, वो अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में, अंधों के स्कूल में मैं दान करता हूँ, तो मैं वो 20 लाख रुपए दान करता हूँ, 30 लाख अपने पास हेडलाइन बनाने के लिए। किसानी जी, दान को लेके ही बिहार में आप गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने आपका ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया इस बात को लेके, अच्छा काम करते हैं तो भी। नहीं नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपकी आलोचना तो होगी, रास्ते में डिवाइडर आते हैं सर, अब टोल नाका के चलते हम गाड़ी तो नहीं घुमाएंगे ना, क्या बात है, हम टोल नाका भरेंगे उसके बाद अपने मंजिल को तय करेंगे। इस धरती पे जो भी आप काम करिएगा, भरा भला भी बोलने वाले हैं और बुरा भी बोलने वाले हैं, ये दुनिया पॉलिटिक्स तो हर जगह है, उसके लिए हम अपने विचार को तो नहीं बदल सकते, जिसको लोग प्रचार समझते हैं वो मेरा विचार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी निंदा होगी, आज मैं जिंदा हूँ तो ही तो निंदा हो रही है, क्या बात है, जिंदा हूँ तो निंदा हो रही है, जिंदा नहीं रहूंगा तो निंदा नहीं होगी, दुनिया कहेगी कि कुछ भी था, आदमी अच्छा था, तो जिंदा है तो निंदा होगी, इसीलिए जिंदा जब तक है आपकी निंदा होती रहेगी, बसरते उसके वजह से आप अपने विचार को मत बदलिए, कोशिश करिए कि आपके हाथों से किसी गरीब का भला हो जाए और कोई बच्चा पढ़कर बड़ा आदमी बने, ताकि कहे कि हाँ भाई इनका सहयोग मुझे मिला। शना सिंह को, पवन सिंह, हर किसी को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आप इनको फिल्म में मत लो, जिसकी वजह से उन्होंने आज नहीं एफआईआर दर्ज करवाया है, तो आपको भी इस प्रकार का फोन कभी आया था क्या? नहीं नहीं सुनिए, बात ऐसा है कि अगर मेरे बोलने से, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, अगर मेरे बोलने से ये मुद्दा अगर यही खत्म हो जाता है तो मैं बोलूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बोलूंगा और इसकी हेडलाइन कल कुछ अलग होगी और उसके बाद ये फिर भी बात बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद कुछ और होगा और फिर कुछ और होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो चीजें शांत हो रही है, नहीं 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 खत्म होगा, मैं जानता हूँ ना, क्योंकि उसकी हेडलाइन कल अलग होगी, ये मैं जानता हूँ, इसलिए जो चीजें खत्म हो रही है उसको मिट्टी डालने का काम करिए। ये दुनिया है, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, अगर आपको पूछना है तो उन बाढ़ पीड़ितों के बारे में पूछिए, क्योंकि मैं उनके दिल में रहता हूँ, उनके गरीबी में रहता हूँ। आपको अगर प्रचार करना है तो उन गरीबों का प्रचार करिए जो रोड पे पड़े हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर, और पूरी दुनिया को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो देखिए, सबको जीने का हक है, सबको अपनी बातें रखने की हक है, सबको बोलने का हक है, किसी एक को लेकर और हम इतना बड़ा विवाद खड़ा करें, उसमें नुकसान किसका होता है? हमारे भोजपुरी समाज का होता है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप इस बात को जितना लोगों से पूछिएगा उतना ही ये विवाद बड़ा होता जाएगा और उसमें हमारी दुनिया बर्बाद होती है, उसमें हमारे भोजपुरी को नुकसान होता है और पूरी बाहर के लोग हमारे भोजपुरी को गाली देते हैं, क्योंकि जिसके बारे में आप लिखते हैं, जिसके बारे में हेडलाइन बनाते हैं, वो कोई गैर नहीं, वो भी आपके अपने हैं, आपके मिट्टी के बच्चे हैं, तो बच्चों से गलतियां होती है, हम भी गलती करते हैं, मैं दूध का धुला नहीं हूं। तो कोशिश करिए जो चीजें बड़ी होती है उसको आप लोग दबा दीजिए, कोशिश करिए, छोटा मोटा बातें तो होती है, रोड पे चलने पे एक्सीडेंट तो होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गैराज में उसको गाड़ी को ठीक कराइए ना, अब एक हामर लेके मार दे बाप और आरी पच कर। लेकिन महाराष्ट्र के कई जगहों पे भी बाढ़ आया तो आप क्या वहां मदद करने वाले हैं? बिल्कुल मदद करूंगा, अगर मुझे पता चले तो आप बताइए कहाँ पे है, अभी मैं चलता हूँ, 20-25 लाख अभी खर्चा करूंगा मैं, अभी मैं वादा करता हूँ आपसे। सर मुख्यमंत्री में मैं दे ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि वो गरीबों तक नहीं पहुंचेगी, सही कहा, तो मैं इसीलिए डायरेक्ट जाकर उनके पास मिलता हूँ, उनके दुखों में रहता हूँ, मैं उनकी परिस्थितियाँ देख कर उनको खर्चा करता हूँ, मैं किसी को दे दूँ और पता नहीं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, कौन जानता है। भरोसे, बहुत सही बात, एक आदमी के भरोसे इस दुनिया का सब कुछ नहीं किया जा सकता। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, एक आदमी एक कोशिश तो कर रहा है,
शरीर में अगर एक कहीं कुछ है, दर्द है, तो उसको दुख दूर करने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब लोग उसमें जुड़े। आप भी कमाते होंगे 50,000 रुपया, उसमें से 5,000 रुपया आप भी निकालिए। बिल्कुल, ये होता है ना, हम निकालते हैं 50,000, हम 5 लाख कमाते हैं, तो पर लेकिन आप निकालिए तो 10,000 आप भी, क्योंकि मैं 50 लाख कमाता है तो 2 लाख निकाल रहा है। मैं प्रचार इसीलिए करता हूँ कि ताकि मुझे देखकर हर आदमी अगर 5,000 रुपये का मदद कर देना तो शायद हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी और कोई बार पीड़ित नहीं रहेगा, उनके लिए घर भी हो जाएगा, उनके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मैं कोशिश हूँ, लोगों को लगता है कि मैं प्रचार करता हूँ, नहीं नहीं, अगर मैं गुप्त दान कर दूंगा ना तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं मानेगा और मुझे कोई जो मुझे दिल में बसाते हैं वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानबे ही नहीं करेंगे कि मैंने कितना हेल्प किया, मैंने लोगों के बीच में जाता हूं कि नहीं जाता हूं। इसीलिए मैं जाता हूं ताकि मुझे देखकर अगर 10 लोग भी आगे आते हैं तो शायद कुछ लोगों का तो भला होगा। ये मेरी एक कोशिश है, ये मेरी एक अपनी हार्दिक इच्छा। सर हम तबेला वाला बिहार में समय कौन सा गाना हिट चल रहा है, नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे बिहार में गाना। सर सर लड़का खिलाएं की, अभी एक मेरा गाना चल रहा है, लड़का खिलाएं की तारक है, लड़का सुनाई की तारक है, इतना अच्छा गाना है, एक औरत का दर्द है उस पे आया वो, अभी टीएफ कंपनी से आया है। सर सर ये गाना हो जाए, लड़का सवाल और है, हां सवाल है, बहुत अच्छा बनता बह कह छोड़ लाना बह तनी धला ना रसता बहरा के कहे बड़ा गुताइल सैया लईका सुताई कि तहरा के। एंटरटेनमेंट भरा हुआ है, कहां मिलियन हुआ है पागल बने हुए कार्य पत्र की, उसके लिए मैं पूरी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक चीज और, इसमें आपके साथ अभी अश्लीलता सुहागरात की बात आप कर रहे थे, तो किसके साथ इसमें आपका फेयर चलने वाला है दुनिया में? वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है, वो हमारे कहानी का डिमांड क्या है, हमारे डायरेक्टर को कौन हीरोइन पसंद आती है। सर मैं लोग एक बात बोलते हैं ना, कभी कभी हम टेम्पू के ड्राइवर से फॉर्च्यूनर चलाने की कोशिश करते हैं, मतलब जे वो आदमी उस लायक है नहीं, लेकिन हम उसको काम तो दे देते हैं, उसमें प्रॉब्लम हमें होती है। सर जब आप नाचेंगे ना स्टेज पे तब आपको समझ में आएगा जी नाचने का मतलब क्या होता है। जब कोई एक्टर अच्छा रहता है ना तो हम एक टेक में चीजों को अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कोई एक्टर अच्छा नहीं होता है तो हमें 40 बार एक चीज को करना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी किसकी लॉस होती है? खुद की। इसीलिए मैं इनसे भी कहता हूँ कि सर दुनिया का कोई भी लड़की लेके आइए, बशर्ते एक्टर होनी चाहिए, वो खूबसूरत होनी चाहिए। अभी हम मेहंदी में लाए, बहुत अच्छी कला आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छी नेचर है, बहुत बहुत सुंदर है वो, और डांसर कमाल के हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि कोई नई प्रतिभा आता है अगर वो अच्छा काम करेगा तो हमें हटाने की कोई जरूरत नहीं उसको, हम तो सपोर्ट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को एक नया चेहरा मिल रहा है, एक नई उन्नति मिल रही है, हमारी कोशिश रहती है। बशर्ते मैं इनसे भी कहूंगा कि टेम्पो के ड्राइवर से फॉर्च्यूनर मत चलवाइए, मैं यही कहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। आप लोगों को पता है कि पहली फिल्म हम लोगों ने बनाई थी साथ में, और आप सबने जो प्यार दिया है उसको आशीर्वाद दिया है, उसी प्यार आशीर्वाद की कामना में, उसकी अभिलाषा में फिर से एक बार हम दोनों जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं निशांत उज्जवल जी, जो आपके बिरादरी से आते हैं। पहली बार इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मीडिया का आदमी, एक पत्रकार जो पहली बार एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आप लोग सब आदमी मित्रों से अनुरोध है कि उस आदमी के लिए आप शुभकामनाएं दीजिए। जिसको भी प्रोड्यूसर बनना है खेसारी को अप्रोच करें, क्या बात है सर, जितने मीडिया कर्मी है किसको ये तो मैं मजाक की बात, अगले 50 रुपए दे देना, 50 रुपए में भी काम करने के लिए जो बनाए थे तो ऐसे तो बन गया था, 50 रुपए में बना था वो, 50 रुपए में बना था, प्रोड्यूसर से पूछ लेना वो क्या हुआ भैया। एक मिनट, एक पांच सेकंड पहले तो ये बता दूं, जब मैं भोजपुरी में आ रहा था ना भैया, तो मुझे कई लोग कहने लगे कि साहब जो मैंने कुछ सब्जेक्ट आपको इस तरह सुनाया कि लोगों ने आपको उस तरह भी कई देखा, तो बोले नहीं यार तुम क्या बना रहे हो, मैं सब सब्जेक्ट तो ये है उसका रिजेक्ट कर लिया, आपने पास कर दिया, आपने पास करा, बोले नहीं यार ये नहीं चलेगा, मैंने कहा जब मेरा हीरो पास कर दिया मीन्स वही चलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे परिवार की कहानी है, दुनिया का मतलब ये है जे एक पिता को समझने के लिए, एक माँ को समझने के लिए, एक बेटा को समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग ने सब्जेक्ट को करने का काम किया, ताकि जो बच्चे भटके हुए हैं
वो कम से कम अब उस माँ बाप की अहमियत को तो समझे जिस माँ बाप ने हमारे खिलौने के लिए अपना पेट काट काट कर हमारी खुशी के लिए काम किया, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम उनको दरकिनार कर देते हैं और हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। आप जितने बड़े स्कूल में जाएंगे सर, जितने बड़े अपने बच्चों को अमेरिका भेज दीजिए, कल चल के उतना ही छोटा अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम आपके लिए ढूंढेगा। रीजन है कि इतना बड़ा कर देंगे कि उसकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना बहुत जरूरी है। आप उसको अमेरिका पढ़ाइए लेकिन संस्कार से दूर उसको मत करिए। इसी की कहानी है ये दुनिया, और हम लोग कोशिश किए हैं कि हर बच्चे संस्कार में पले और संस्कार में ही बड़ा हो। देखिए लाल बाबू जी के साथ मेरा जो अनुभव हुआ है, मुझे लगता है कि सारे डायरेक्टरों से एक अलग अनुभव है उनके साथ। उनके साथ डायरेक्टर वाला रिलेशन मेरा आज तक रहा ही नहीं। वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं और मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तो उनका एक डिसीजन होता है, वो बोलते हैं कि भाई, और आज तक लाल बाबू जी ना कभी कहानी पे बैठने का काम किया और ना ही गाने पे। उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि वो अपने बेटा पे भी उतना बड़ा विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि मेरा भाई जो बोल देगा वही होगा, और आते हैं और उनको मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ भैया कहानी बहुत अच्छी है, और वो किंतु परंतु बिना सोचे उस कहानी पे काम करते हैं। और आज लाल बाबू पंडित एक छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक इमोशन है, मेरा परिवार का रिश्ता है लाल बाबू भैया से। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके सिनेमा में मैं जब भी काम करूँ तो एक हीरो बन के नहीं, एक बेटा बन के, एक छोटा भाई बन के काम करूँ, ताकि अपना परिवार का सिनेमा है और मैं सबके साथ करता हूँ तो मैं एक परिवार की तरह ही रह के करता हूँ। मैं कभी हीरो बन के किसी के साथ काम नहीं किया, मैं एक बेटा बन के ही काम करता हूँ, मैं एक छोटा भाई बन के ही काम करता हूँ, ताकि मैं अगर बेटा बन के काम नहीं करूंगा तो शायद ये सिनेमा पूरी नहीं होगी। मैं अपने स्टार्डम में अगर आ गया तो शायद मैं भी मैं लेट पहुंचूंगा, मैं टाइम से काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अलग ही दुनिया होगी मेरी, कहीं कुछ भी, हाँ 5 घंटा लेट आओ, काम अच्छे से नहीं करो। तो वो दिक्कत होती है कि एक प्रोड्यूसर को जब आप अपना भाई मान लोगे, अपना गार्जियन मान लोगे, तो शायद गार्जियन के सामने कोई बच्चा गलती नहीं करता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं गार्जियन बना के ही अपना काम करूंगा। आगे सवाल, आयाद भाई कुछ कहना चाहेंगे इस तरफ से, जो है फिर से शुभकामनाएं हमारे मंजूर भाई को। मंजूर भाई से हमारी मुलाकात जो है 2 साल पहले हुई थी, और मंजूर भाई ने बोला कि हमने बहुत सारी राजस्थानी, और मैंने देखा भी, और उन्होंने बोला था कि यार जो है जब भी मैं फिल्म शुरू करूंगा बेशक आपको इनवाइट करूंगा, और आज उन्होंने इनवाइट किया, मुझे बुलाया, और मैं तहे दिल से मंजूर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और मित्तल जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे बड़ा भैया का शुक्रिया अदा करो, भैया जो इस फिल्म के हीरो है, और जो है मंजूर भाई ने इतनी तारीफ की, खेसारी भैया का आप लोगों ने सुना भी और देखा भी, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, खेसारी भैया होते भी जमीनी आदमी है भाई, बिल्कुल। और जहाँ तक जो है रजीश भैया का बात है, आज से नहीं, मैं जब स्ट्रगल पीरियड था तब से जानता हूँ, पहली फिल्म थी भैया के साथ हमारी जो है निरहुआ रिक्शा वाला, और तब से आज जो है आज तक हमारा रिश्ता बना हुआ है, और मैं जो है दुनिया की जो है पूरी टीम को, एंटायर टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बस आप लोगों का ऐसी प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और एक बात और कहूंगा, दिनेश खेसारी भैया ने भी कहा कि जो है बोल दो खेसारी भैया ने कहा कि जो है मीडिया है जो हमारी जो है चीजों को जो है छापती है, चैनलों पर दिखलाती है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अच्छी चीजों को भी दिखाइए। हम ये देखते हैं कि बुरी चीजों को कुछ ज्यादा उभारा जाता है और अच्छाइयों को दबा दिया जाता है, तो ये आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छाई पे सब्सक्राइबर कम मिलता है, राइट ना? पॉजिटिव रहिए। आप अपने बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को गलत निगाहों से देखोगे ना, तो कल ये दुनिया भी उसको उसी निगाह से देखेगी। इसलिए हमारी सोच बदलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मंजूर भाई का लड़का, हाँ, देश की जहाँ बातें आएगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या दुनिया का कोई हो, देश की बातें आएगी, मैं उस देश के साथ हूँ, क्योंकि ये देश हम है तो ये देश है, और देश है तो हम है। तो देश की जब बात आएगी तो दुनिया की कोई पार्टी मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है, मैं उसके लिए जाऊंगा अपने देश के लिए। अखिल भारतीय भोजपुरी पार्टी, यस, भोजपुरी पार्टी इतनी बड़ी है। आप लोग, अच्छा आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से दूर हो जाऊं? मैं सबसे पूछना चाहता हूं एक बार में जवाब चाहते हैं आप, वैसे आप बुरी हो, वैसे तो सवाल काहे कर रहे हैं। बस मैं कोशिश हमारी रहेगी कि हम भोजपुरी के लिए जब तक जिए भोजपुरी के लिए काम करें, अगर हमें अदर स्टेट में भी काम मिले तो हम ईमानदारी से अपने काम को पूर्ति करें और उस मिट्टी को सम्मान दें और अपने जीवन को चला दें।